to party. It's time to flow. It's time to listen music. Get moving, get moving, get on the floor. Welcome all of you. This is the third match between two teams. Royal Roshan won the toss and elected back first, and Bhadwaj 11 Bhadwaj on the ground. Welcome all of you. Good afternoon. You're watching the Legend Cricket from Bhiwandi. This is Bali Trophy 2009. सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आपण बघतोय टेनिस विश्वातील सुप्रसिद्ध मानाची स्पर्धा भिवंडीचं ऐतिहासिक क्रिकेट भिवंडी लेजंड क्रिकेट बाली ट्रॉफी 2019 हे चौथं पर्व चौथं पुष्प चौथं वर्ष या स्पर्धेचं. प्रत्येक वर्षी वैविध्यता वैशिष्ट्यता आणि नाविन्य असलेली ही टेनिस विश्वाची एक जगप्रसिद्ध स्पर्धा. जसं प्रत्येक कलाकार आपल्या प्रत्येक नृत्यामध्ये एक वेगळा आविष्कार कलाविष्कार करत असतो, त्याचप्रमाणे भिवंडी क्रिकेटमध्ये नक्कीच दरवर्षी वेगळेपण आणि वेगळा ठसा उमटवणारी ही टेनिस विश्वातील एक मानाची स्पर्धा बाली ट्रॉफी. माझ्या समवेत शायबा मोमीन, समालोचक सिद्दीक भाबेजी, शाहिद खान, मजर खान, सर्वांकडून आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत. योगेश वैयक्तिक पहिलं षडक येथे मात्र भादवड भादवड या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना हाताळतोय. तर सलामीवीरांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय फयाज आणि त्याला साथ देतोय तो सुशील. फैज आणि सुशील 3:10 वेळ दर्शवतोय. 30 मिनिटाचा अवधी असेल. आयपीएलची धून पहिला चेंडू हलक्या त्याने हाताळतोय. बॉलर बॅक ड्राईव्ह केलं होतं, चेंडू वळतोय मिड ऑफ मधून लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये. वेगाने चेंडू सीमारेषे जवळ जातोय आणि चेंडू सीमारेषे लगत अडवला जातो. तत्पूर्वी संधी मिळते फैजला सुशीलच्या साथीनं 2 धावा पूर्ण करण्याची. शुभारंभ होतोय, सुरुवात होतोय इथे मात्र रॉयल रोशन या संघाच्या धावफळकाला. फैज आपलं वैयक्तिक खातं इथे मात्र ओपन करतोय. पुढचा चेंडू इथे मात्र चेंडूला हुक केलं जातोय. अप्रतिम तंत्रशुद्ध फटका लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये, चेंडू सी मारेशे बाहेर. अप्रतिम ग्लोरियस षटकार. जवाब संगीत डीजे सुमित मार्फत पहिलं षटक पावर प्लेचं शक्ती खेळाचं हे पहिलं षटक आणि शक्तीपूर्ण खेळ आपण पाहतो या फलंदाजाचा. 6 धावांनी फैज आपली आक्रमक भूमिका सादर करतोय. पददालित्याचा वापर, कार्पेटचं सौंदर्य, चेंडूला ड्राईव्ह केलं जात आहे. ऍथलेटिक एफर्ट कव्हर पॉईंट क्षेत्रामध्ये चांगलं क्षेत्रक्षण. क्षेत्रक्षणाचं एक चांगलं उदाहरण आपण पाहतोय या क्षेत्रक्षकाकडून. जवळपास संघाच्या 3 धावा तो वाचवतोय. नक्कीच ज्यावेळेला टीम हा शब्द उच्चारला जातो त्यावेळेला या टीमचा अर्थ काय आहे हे नक्कीच या क्षेत्ररक्षकातून सादर होते. येणाऱ्या सर्व संघांचं हार्दिक स्वागत. बाली ट्रॉफी ही बाली ट्रॉफी खेळण्यासाठी प्रत्येक भिवंडीतील खेळाडूचं स्वप्न आहे की नक्कीच या स्पर्धेमध्ये सहभागी होऊन एक चांगलं लेजंड क्रिकेट द्यावं. पुढचा चेंडू इथे मात्र रिटर्न किच्या खूपच बाहेर वळतोय चेंडू. पण शकील कोटी इथे दर्शवतात की चेंडू वाईड आहे.
अतिरिक्त दहावीने धावसंख्या एक ने पुढे सरकते आणि स्थिरावते ती दहावर दुहेरीवर. आज आपण पाहतोय सकाळच्या सत्रापासूनच वाऱ्याचा वेग हा थोडासा खूप जास्त आहे आणि थंड वारे आपण पाहतोय या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये वाहताना. शॉर्ट डिलिव्हरी चेंडूला हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू वळतोय इथे मात्र शॉर्ट लेग मधून लॉंग लेग क्षेत्राकडे चेंडू सी मारेशी बाहेर जा. नक्कीच कर्णधारानं जो विश्वास दाखवला होता या दोन फलंदाजांवर तो सार्थक करवताना. शॉर्ट डिलिव्हरी रिटर्न क्रीजच्या खूपच बाहेर जातोय, पण जो दर्शक पुन्हा एकदा हा चेंडू स्वैर आहे. पहिले षटक हाताळताना खूप नक्कीच चांगली जबाबदारी स्वीकारावायला लागते ती गोलंदाजाला, कारण तंत्रशुद्धता, वैविध्यता, क्वालिटी या सर्व गोष्टींचा समावेश या पहिल्या षटकामध्ये असणं गरजेचं. मात्र इथे आपण पाहतोय स्वैर चेंडू हाताळले जात आहेत ते गोलंदाज योगेश मार्फत. ऑंदी अपके आतोय सरळ चेंडूला फ्लिक करतोय, मात्र क्षेत्रक्षक देखील आपण पाहतोय थोडासा अपयशी ठरतोय, झेल धरतीला दान होतोय आणि जोपर्यंत चेंडू फील्ड केला जाईल त्यापूर्वी संधी मिळते. इथे मात्र फलंदाज सुशीलला दोन धावा पूर्ण करण्याची. सुशील खेळतोय वैयक्तिक 6 या धावसंख्येवर आणि 9 धावांचं योगदान देतोय फैज. एक सुंदर सुरुवात आपण पाहतोय रॉयल रोशन हा संघ करताना. एक चांगलं लक्ष उभारण्याचा संकल्प. पुढचा चेंडू योगेश, इथे मात्र विशेप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम स्ट्रोक, बॉलर बॅक ड्राईव्ह, पुन्हा एकदा झेल धरतीला दान होतोय. वारंवार आपण पाहतो क्षेत्ररक्षणामध्ये ज्या तांत्रिक त्रुट्या जाणवत आहेत, जे मिस फील्ड होत आहे ते नक्कीच कारणीभूत ठरतंय. इथे मात्र थोडस दबावाला आणण्यासाठी भादवड इलेव्हन भादवड या संघावर पहिल्या षटकाच्या अंती एक सुंदर पायावळणी, एक मजबूत फाउंडेशन उभारतोय रॉयल रोशन संघ. आपण बघतोय पहिल्या षटकात एक सुंदर पायाबळ, एक मजबूत फाउंडेशन, पॉवरफुलचं षटक पॉवरफुल ठरतंय ते मात्र फलंदाजी करणाऱ्या रॉयल रोशन या संघाला. आणि ज्या वेळेला या एंडकडून गोलंदाजी होईल, मान्यवर कक्षाच्या एंडकडून गोलंदाजी होईल, त्यावेळेला नक्कीच पोषक वातावरण असेल ते फलंदाजीची गाडी, कारण आपण पाहतोय वाऱ्याचा प्रवाह, वाऱ्याचा वेग आपण जो वाहतोय तो पाहतोय की पश्चिमेकडून पूर्वेकडे इथे वारे वाहत आहेत आणि त्याच कारणास्तव इथे पॉझिटिव्ह फॅक्टर फलंदाजांसाठी. गोड गुलाबी थंडी, गोड गुलाबी क्रिकेट आणि गोड गुलाबी ट्रॉफी, बाली ट्रॉफी. इथे मात्र बॅटची एज छेडछाड करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू बोलतो फ्लाय स्लिप क्षेत्रामध्ये आणि एक धाव. एकोणीसावा धाव फळकावर. हलक्या त्यानं फक्त सॉफ्ट अँड जेंटल कट करण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय आणि चेंडू वळतोय बॅटची कॉर्नर एज लागून शॉर्ट स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. फील्ड होतोय तत्पूर्वी एक धाव. गुरु गोलंदाजी मार्गवर
अदर मतलब स्ट्राइक क्लास है तो फलंदा सुशील राइट अप ओवर द विकेट शॉर्ट डिलीवरी पूल के लिए जाता है पावरफुल सक्सेसफुल काउ कॉर्नर क्षेत्र मध्ये अप्रतिम चौकार बन जा तू मेरी रानी तेनु महल दवा दूंगा बन मेरी महबूबा मैं तेनु ताज पवा दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनु महल दवा दूंगा अप्रतिम टाइमिंग टेक्निक पावर टेम्परामेंट या सर्व गोष्टींचा मिलाप आणि हा पावरफुल फटका पूलचा पुढचा चेंडू गुरु पुन्हा एकदा स्लॉक केलं जात आहे स्लॉक स्वीप वन बाउंड चेंडू मिड विकेट क्षेत्र क्लिअर करतो बॅक टू बॅक दुसरा प्रिंट चौकार या चार धावांनी धावा वेगाने पुढे सरकतात 28 धावा धावांचा वर्षाव धावगती सुरेख राखताना आपण बघतोय रॉयल रोशन संघ पुढचा चेंडू गुरी गुरु इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आयुष्यमान भवचा आशीर्वाद जीवनदान मिळतंय वारंवार या चुका क्षेत्रक्षणामध्ये होत आहेत अजूनही सुधारणा होत नाहीये इथे मात्र भादवड इलेव्हन भादवड या संघाच्या क्षेत्रक्षणामध्ये कारण गोलंदाज आपण पाहतोय त्याचं चांगलं योगदान देण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र क्षेत्रक्षणाचा अभाव क्षेत्रक्षणाची योग्य साथ इथे मात्र मिळत नाहीये आणि थोडस बिघडतंय ते भादवड इलेव्हन भादवड संघाचं दोन धाव मिळतात धावसंख्या 30 वर पहिल्या षटकात 18 धावांनी उभारणी केली फलंदाजी करताना रॉयल रोशन या संघानं एक चांगलं फाउंडेशन एक चांगली मजबूत स्थिती गुरु षटकातील पुढचा चेंडू इथे मात्र स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न रिटर्न क्रीजच्या खूपच बाहेर फारुक बर्डी सर त्यांच्या एक वेगळ्या आकर्षक लुकमध्ये आणि वेगळ्या अंदाजामध्ये सिग्नल पोहोचवताना शायबा मोमीन पर्यंत एका धावीची भर धावसंख्या 1 ने पुढे सरकताना पोहोचते ती बिनबाद 31 वर नक्की जो विश्वास कर्णधारानं इथे मात्र दिला होता रॉयल रोशनच्या तो सार्थक ठरवताना हे दोन शिलेदार हे दोन सलामीवीर शॉर्ट डिलिव्हरी मिस टाइम स्ट्रोक निर्धाव चेंडू आणि आपण पाहतोय दोन षटकाच्या अंती 15.50 सरसरीनं वाटचाल करताना 31 धावा उभारतायत ते रॉयल रोशन संघ मला या ज्या स्पर्धेसाठी ज्या ज्या दानशूर व्यक्तींनी जे जे आर्थिक सहकार्य घेतलं जाते सर्व आश्रयदात्यांचं स्पॉन्सरचं मनपूर्वक हार्दिक आभार पॉइनियर स्पोर्ट्स आणि या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा आदरणीय अल्ताप बालिस सर त्यांचे सहकारी आदरणीय नईम शेख सर कयम शेख सर अजमल नासिरकर सर शाहिद पापा सर आणि रमीज रईस सर आणि पॉयनियर स्पोर्ट्सच्या वतीनं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भादोळ इलेव्हन समय के मामले में आपको सहयोग करना है सुरेंद्र वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक तिसरं षटक स्ट्राइकला असेल तो फैज राईट अप ओवर द विकेट शफल करतो ते चेंडूला हुक करतोय अप्रतिम क्वालिटी पूर्ण A1 क्वालिटी चा ब्रांडेड षटकार गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये गुल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभालना मुश्किल हो गया
कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं. असं जणू फैज सांगतोय आणि आपल्या कलागुणांना वाव देताना आपण पाहतोय की सकाळच्या सत्रामध्ये जी न्याहारी करायला पाहिजे होती ती दुपारच्या सत्रामध्ये ते आपण पाहतोय करताना फलंदाजच्या स्वरूपात हा फलंदाज. पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू, सुरेख ड्राईव्ह, अप्रतिम कौशल्य, मैदानाचं सौंदर्य सादर करणारा ड्राईव्ह चेंडू स्वीपर कव्हर क्षेत्रामध्ये चार धावांसाठी. तस्वीर जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मरूं, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे. मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दरबा, बुरा है जहां तू. थैंक यू डीजे सुमित. अप्रतिम गीत संगीत साथ मिळताना या समालोचन कक्षाला डीजे सुमित कडून फ्रंटफुटचा वापर. अप्रतिम लॉफ्टेड पुल शॉट, पॉवरफुल, वंडरफुल, सुपरफुल, चिअरफुल, अमेझिंग एवन क्वालिटी षटकार. तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के. देखिए जो दर्शक ने इथे मात्र मोठा फटका, पुन्हा एकदा चेंडू सीमारेषे बाहेर जातोय. अप्रतिम क्लास दर्जा चौकार. एवन क्वालिटी क्लास आपण बघतोय फलंदाज फैज मार्फत. पुढचा चेंडू फ्रंटफुटला येतो, चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू कव्हर क्षेत्रामध्ये झेल होऊ शकतो, मात्र झेल तिसऱ्या प्रयत्नात मिळतोय आणि फलंदाज बाद. फैज याला मात्र परतावं लागतंय पहिला धक्का. बात है हाई क्वालिटी क्रिकेट, हाईलाइट क्रिकेट, क्लासिकल क्रिकेट, लेजेंड क्रिकेट. फैज मार्फत कौतुक असेल फैजच, रॉयल प्रमाणे रॉयल क्रिकेट खेळतोय आणि नक्कीच संघ सर्वांचं आणि त्या संघाचं नक्कीच खूप मनोरंजन करतोय हा खेळाडू. खूप प्रभावित केलं या खेळाडूने, कारण आपण पाहतोय धावफळकावर धावा आहेत, त्या 51 धावा आणि 51 धावा उभारण्यात 30 धावांचं योगदान, 3 अप्रतिम षटकार, 2 उत्तुंग चौकार आपण पाहतोय या खेळाडू मार्फत फैज मार्फत. सुरेंद्रला लाभलेलं हे पहिलं यश. त्याचप्रमाणे भिवंडी भादबड 11 भादबड या संघाचं पहिलं सुयश सुरेंद्र. राईट ओवर द विकेट. इथे मात्र फुलटो चेंडू स्लॉक केलं जात आहे आणि चेंडू मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये 2 बाउन्स सीमारेषेबाहेर 4 धावांसाठी चौकार. षटकांचा इथे खेळ समाप्त होतोय आणि 3 षटकांच्या अंती आपण पाहतोय धावफळकावर धावा नमूद होत आहेत. इथे मात्र 55 धावा, सुरुवात केली होती 18 धावांनी, तदनंतर 13 धावा आणि तदनंतर आपण पाहतोय 24 धावा. एकंदरीत जी काही धावगती राहतोय, जी एक पोषक खेळी करतोय फैज, त्याच स्वरूप आपण पाहतोय या 55 धावा. उर्वरित 3 षटक शिल्लक आणि या 3 षटकांसाठी या ऐकूया मजर खान यांना. थँक्यू
मोरे सर, 3 ओवर की समाप्ति पर इस वक्त टोटल बहुत बढ़िया नजर आता हुआ 55 रन। इस बार ये गेंद फिलर लेन की गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए इस वक्त गुरु फैज ने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, बहुत अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया था और अभी भी देखना है वहां पर जो बल्लेबाज सुशील वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राई लगाया है, एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद चली गई थी। पिच के ऊपर से आपको नहीं दौड़ना है। सभी प्लेयर्स को सूचित किया जाता है अंपायर फारूक बर्डी द्वारा, आपको विकेट के ऊपर दौड़ना नहीं है, विकेट के बाजू से दौड़ना है। गुरु इस बार सामना करेंगे सुशील। ओहो, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक किंग खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, स्लॉक किया था इस गेंद को फ्रंट फुट को आगे निकालकर, अच्छा क्या समाप्त करते हुए वहां पर खिलाड़ी, विकेट की पारी समाप्त होती है। सुशीलने 10 चेंडूमध्ये 22 धावांचं योगदान दिलं, शॉर्ट डिलिव्हरी होती, चेंडूला स्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता, स्लॉक स्वीपचा फटका, मिडविकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आणि अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, फलंदाज झेलचूच्या स्वरूपात बाद। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करकर अब सुशील भी वापस जा चुके हैं, अब उनकी जगह लेने के लिए शाकिब। आजाद 11 राया के कैप्टन और वकी स्पोर्ट्स मापोली के कैप्टन टॉस के लिए आना है। गुरु इस बार सामना करेंगे शाकिब, आते ही साथ स्क्वायर कट लगाना चाहते थे, बैट का अंदरूनी सिरा लगा, अच्छी गेंदबाजी इस वक्त मोरे सर करते हुए गुरु, जब 3 ओवर में रनों का लूटमार मचा था, कहीं ना कहीं इस वक्त ओवर में रन थोड़े से रुके हुए है। इस बार फोर्स किया है, देखना है, लवान की जानिब खिलाड़ी मौजूद है और शाकिब की पारी भी अब समाप्त, एक और विकेट गिरता हुआ रॉयल रोशन का। ये देखिए किस तरह से गेंद को खेला, तो शाकिब की पारी भी अब समाप्त होती हुई, एक और बड़ा झटका लगता हुआ रॉयल रोशन को। अगले बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अहमद, अहमद जो कि पिंच हिटर है, अच्छे स्ट्रोक खेलते, देखिए दर्शक जो हमारे बाउंड्री पे, एक ही अटेम्प्ट में आपको कैच पकड़ना है और एक के हाथ से छूटा और दूसरे ने पकड़ा तो वो कैच नहीं चलेगा, मिली जुली सरकार नहीं चलेगी। द नेक्स्ट मैच बिटवीन आजाद 11 राया वर्सेस वक्की स्पोर्ट्स महापोली, बोथ कैप्टन प्लीज रेडी फॉर द टॉस। गुरु बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अब तक इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया है उन्होंने, इस बार ग्लांस किया है वहां पर हल्के हाथों से, अपने आप को गेंद की लाइन में लाया था अहमद ने, इस 1 रन की मदद से बहुत देर के बाद अब स्कोर आगे खिसकता हुआ 57 रन।
की समाप्ति पर स्कोर 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आज फैज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 9 गेंदों में 30 रन बने और सुशील ने 10 गेंदों में 22 रन। वैसे भी फैज बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। पांचवा ओवर लेकर आते हुए इस वक्त योगेश, अभी भी वहां पर पिंच हिटर अहमद मौजूद है। समय के मामले में सहयोग करने आपको पहली गेंद वहां पर योगेश की, व्हाइट का इशारा आता वहां पर शकील कोटी का, अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रॉयल रोशन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई और उनका ये फैसला कहीं ना कहीं 4 ओवर के खेल में सही भी साबित होता हुआ। इस बार सफल होकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को अहमद, पैरों पर लगने भर के बाद एक रन आया। पिछले ओवर में गुरु ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 रन खर्च किए थे और 2 बड़े विकेट हासिल किए थे उन्होंने, वहीं से कहीं ना कहीं रनों पर रोकथाम लगी। और जो पहले 3 ओवर रहे थे वहां तो मानो दोनों ही बल्लेबाजों ने रनों की लूटमार मचाई थी। ये क्या स्कोर इस वक्त 61 रन। इस बार अच्छा स्ट्रोक लेकिन गेंद बहुत ऊपर चली गई थी, लंबाई कम थी और बहुत अच्छा कैच समाप्त किया रंजीत। तो इस वक्त अगले बल्लेबाज विशाल बल्लेबाजी के लिए आते हुए, योगेश इस बार सामना करेंगे अहमद। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 61 रन पर। इस बार लेकर घूम गए इस गेंद को अहमद, नो मैच लेन में टप्पा खाती हुई गेंद और उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुकी है। देखना है, बहुत लेट थ्रो आता हुआ और उसी बीच 2 रन पूरे किए। आजाद 11 के कैप्टन, आजाद 11 राया के कैप्टन और वकी स्पोर्ट मापुली के कैप्टन, आप दोनों को 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में आके बैठना है। इस 2 रन की मदद से स्कोर 63 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रॉयल रोशन इस बार फुल टॉस गेंद को मिस कर बैठे वहां पर अहमद, बहुत खराब गेंद थी भावे सर लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज अहमद। स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ इस वक्त 64 रनों पर। समय के मामले में सहयोग करना है भादोड़ 11 भादोड़ आपको, क्योंकि एक इनिंग के लिए सिर्फ 30 मिनट का वक्त है और समय के लिए इससे पहले कैप्टन को बैन किया गया है। बोल्ड हो गए वहां पे अराउंड इलेक्स, लोनार्ड के कैप्टन ने 10 मिनट का समय ज्यादा लिया था इसलिए उनको अगले मैच में बैन किया गया है। हमने ड्रॉ में आपको सब चीजें बता दी थी।
पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर 64 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। लास्ट ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज रंजीत। इस बार इस गेंद को लेकर घूम गए वहां पर अहमद, गेंद ऊपर चले गई थी और आउट होकर जाना पड़ेगा इस वक्त अहमद को। अच्छा क्या समाप्त किया था जयेश ने। आजाद इलेवन राय के कैप्टन और वकी स्पोर्ट्स मापोले कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आना है। तो अहमद की पारी समाप्त होती हुई और अब अगले बल्लेबाज उनकी जगह लेने के लिए साजिद। तो भाभी सर, पहले के जो 3 ओवर रहे थे उसमें अच्छे रन आ रहे थे, लेकिन जब से गुरु गेंदबाजी के लिए उसके बाद योगेश और अब रंजीत, रनों पे मानो अब रोकथाम लगी हुई है। देखिए, टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम रहता है। एक अच्छा रनों का ओवर, बल्लेबाजी हावी हो जाती है। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया सलीम ने। देखना है गेंद स्क्वायर लेग की जानिब जाती हुई 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला था सलीम ने। सलीम वैसे भी एक अच्छे खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। काफी वक्त तक वीरेन स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने खेला है। टॉस बॉक्स में बैठना है दोनों ही टीम के कैप्टन वकी स्पोर्ट्स मापोली। इस बैट का ऊपरी सिरा लगा था। इसके बाद जो मुकाबला हम देखेंगे आजाद इलेवन राय और वकी स्पोर्ट्स मापोली के बीच। देखिए, दोनों कैप्टन को 5 फॉर्चून रियल टस टॉस बॉक्स में बैठना है। तो पिछली गेंद नो बॉल रही थी। स्कोर इस दौरान स्कोर 70 रन पर रंजीत। और इस बार देखना एक फ्री हिट था शायद, बिल्कुल बच गए वहां पर साजिद फ्री हिट का, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। बिल्कुल फ्री हिट पे बोल्ड हो गए थे। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो, कई बार ऐसा होता है कि फ्री हिट पे अधिकांश बार बैट्समैन आउट हो जाते हैं। आप धीरे धीरे चारों तरफ से दर्शक आते हुए, आपके लिए सुनहरा मौका है। बाउंड्री के पीछे कैच पकड़िए, गुलाबी नोट पकड़िए। बिल्कुल, क्योंकि अगला मुकाबला वकी स्पोर्ट्स महापोली का है। इस बार डबल स्टेप पर जाकर खेला सलीम ने इस गेंद को लॉन्ग ऑन की जानी। अच्छी फील्डिंग होती हुई तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए वहां पर। गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए थे गेंदबाज रंजीत। स्कोर इस 2 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 73 रन। तो पहली वार्निंग इस वक्त मिलती हुई सलीम को। पिच के ऊपर से आपको नहीं दौड़ना है। जितनी भी टीमें आ रही है यहाँ पे, इस बात का ख्याल रखें कि पिच के ऊपर से आपको नहीं दौड़ना है। इस बार सुलह करना चाहते थे इस गेंद को सलीम। तो 2 रन की पेनल्टी अब मिलती हुई रॉयल रोशन को। एक बार पहले आपको वार्न कर दिया गया था और उसके बाद फिर भी आपने वही काम किया। और सलीम इतने अनुभवी क्रिकेटर है, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, उसके बावजूद वो बीच में से दौड़ रहे थे।
इस बार आगे निकल कर खेला है, देखना है गेंद बहुत ऊपर चले गई थी और बाहर भी जाती हुई 6 रन। की चुनौती रखी है। आइए दोस्तों, आज शाम का हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। खेलने वाली टीमें वकी स्पोर्ट मापोली और आजाद इलेवन राया। धन्यवाद डीजे। और यहाँ पर जुड़ते हुए मेरे साथ टॉस बॉक्स में हमारे सिद्दिक भावे सर। आइए मैं मैच रेफरी रमीज रईस से कहूंगा कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। मोस्ट वेलकम। मैं इस टॉस के लिए शेख परिवार के दोनों चश्मे चराग मोहम्मद अता नईम शेख और मोहम्मद उमान कयाम शेख दोनों से कहूंगा कि आप दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। तंजीफ कुंगले और आसिफ शेख, ये मोहम्मद अता और मोहम्मद उमान। ये देखिए सिक्का, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ सरपंच और एक तरफ जेडपी। आपको या तो जेडपी कहना है या तो सरपंच कहना है। टॉस को जीता इस वक्त आजाद इलेवन राया ने, अतः ये सिक्का देना है आपको। अब मैं मोहम्मद उमान कयाम शेख से कहूंगा कि ये गिफ्ट एम्पर असफर बोलिंच कर स्पॉन्सर देना है। मोहम्मद अता आपको ये गिफ्ट एम्पर दे रहे हैं, मुशीर नाचन स्पॉन्सर। फिर से मोहम्मद उमान के हाथों से हम आपको ये रोलेक्स मेडिकेयर का बैग दे रहे हैं। और आखिर में मोहम्मद अता आपको ये टोपी पहना रहे हैं, ताज के मानिंद, टॉस जीतने पे रियल स्टील की दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों बच्चों का और मैच रेफरी रमीज रईस का। थैंक यू सो मच टू आवर लवली गेस्ट। तंजीफ, आप राया को बिलोंग करते हैं, ये राया की दूसरी टीम है। पहली टीम दुर्भाग्य तरीके से बैड लक से हार गई थी। सबसे पहले बताइए बाली ट्रॉफी में खेल के कैसा लग रहा है? बाली ट्रॉफी खेलना एक सपने से कम नहीं है और इंशाल्लाह हम सपने को हकीकत में बदल के जीतने की कोशिश करेंगे। सपने को हकीकत में बदलने के लिए टॉस जीता है क्या करेंगे? टॉस जीत कर हम पहले बॉल फर्स्ट करेंगे। तो आपने सबसे पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है, तो कितने रनों पे अपने सामने वाले ओपोनेंट की टीम को आप रोकना चाहेंगे? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम फिर 60 प्लस ना हो, फिर भी अगर होता भी है तो इंशाल्लाह हमारे पास इतने बैटर है कि उस टारगेट को चेस करें। मैंडेटरी पावर प्ले में कौन से गेंदबाज है तंजीब जो आपकी टीम को अच्छी शुरुआत देके विकेट लेंगे? अख्तर है, मुंतू है, ये दो अच्छे पेसर है और फास है, इंशाल्लाह अच्छे से बोल देंगे। ऑल द बेस्ट। आसिफ शेख बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं और काफ़ी खेले हुए हैं। आसिफ, सबसे पहले बताइए बाली ट्रॉफी बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट आए दिन बाहर के, क्या भिवंडी क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट में बाहर के दिन हैं? बेशक, क्योंकि हर साल कुछ नया करते अल्ताफ अली और सब देख रहे हैं इस चीज़ को। आप टॉस जीतते तो क्या करते? मैं बल्लेबाजी करने वाला था। तो आप बल्लेबाजी करना चाहते थे कि आप, अगर इसके पहले का मैच आपने देखा तो जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं उसका क्या कुछ असर होगा आपकी बल्लेबाजी पर? हमको ना हवा से किसी से फर्क नहीं था, हमारे पास बल्लेबाज बहुत ही अच्छे, रविश बॉन्ड, अरबाज पटेल और सैफ कुरैशी बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, तो तीनों पर ज़्यादा उम्मीद है वो अच्छा से खेलेंगे और रविश बॉन्ड पर हमको ज़्यादा उम्मीद है।
एक आखिरी सवाल के बाली ट्रॉफी की कोई यादगार है आपके पास? पिछले 2016 सेमीफाइनल। क्या बात है, सेमी आपने खेला था। दोनों कप्तानों को ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज आजाद इलेवन राया वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू द बॉल फर्स्ट इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आगमन होता हुआ मेन बिहाइंड शो अल्ताफ बाली जी का, उनका वेलकम 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 बाली ट्रॉफी 2019 में। अभी अभी तशरीफ लाते हुए हमारे बीच में अल्ताफ बाली। जब दिन का मैच रहता है तो रन काफी बनते। आज शाहिद खान को देर रात हम एक्शन में देखेंगे। आज के मैच से अगला मुकाबला आजाद इलेवन राया ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया है। उसके बाद बड़ा मुकाबला मराठा पंजाब बनाम आरके स्पोर्ट्स शुमाइल सुसे किया जा अग्नि परीक्षा। ये आप देख सकते हैं लकी ड्रॉ कूपन, 1000 रुपये का कूपन, 3 एक्साइटिंग इनामत, बाइक और 2 वॉशिंग मशीन और एलईडी। मराठा पंजाब बनाम आरके, उसके बाद 40+ क्रिकेट की तरफ हम लौटेंगे। मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवाड़ और मराठा पंजाब वल, शेलू माता वल और चैलेंज स्पोर्ट एमएससी नायगांव और फारिस, एक बड़ा मुकाबला, फिर 40+। खेल की शुरुआत शाहिद खान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबे सर। तो एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर रॉयल रोशन ने रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हैं हम पर फारूक बर्डी, हम पर फैज रईस, हम पर शकील कोटी, ये हमारे 3 अंपायर्स। गेंदबाजी के लिए सलीम स्ट्राइक पर है दीपक, नॉन स्ट्राइक पर जीवन। इस बीच पहली गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई, खराब गेंद वहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर खाता खुलता हुआ। भादवाड़ स्पोर्ट्स देखना है, चुनौती तो बड़ी है, चुनौती को स्वीकार करते हैं नहीं भादवाड़ के इस वक्त खिलाड़ी सलीम लेफ्ट आर्म राउंड रैकेट से। इस बीच शॉट गेंद हवा में और इसी के साथ ये देखिए बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का अंदाज, कैच लेने के बाद बहुत बढ़िया डाइव, पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ रॉयल रोशन की जबरदस्त शुरुआत। Y la cosa suena
el du pa pa y el pum 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 pum. पहला झटका यहां पर लगता हो दिखता साइड लाइन पे वहां पर जुड़ते हुए और भाड़वड़ 11 टीम के यहां पे सबसे पहले प्लेयर जो गेंदबाजी का झटका लगाने गए थे पहले ही ओवर में आउट हो गए। वो क्या हो गया कि कट कर दिया बॉल इसलिए थोड़ा बैक घुमा नहीं तो आपका शॉट सिलेक्शन रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया तो क्या लगता है इतना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर पाएंगे? हाँ हाँ कर पाएंगे है हमारे पास फील्डर करने के लिए। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। इट्स ऑलराइट पूजा भादवर 11 भादवर। इस बीच गेंद लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश देखना है वहां पर पीछे की रो में गेंद जाती हुई मिसफील्ड गेंद इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। भूल गए राहुल ट्रैविट को सबसे ज्यादा कैचेस जिन्होंने पकड़े इस स्लिप में। पहली वार्निंग इस वक्त अंपायर ने दी है सामने वाली टीम को पिच पे दौड़ने के लिए। इस बीच गेंद बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक गैप में कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस स्ट्रोके की मदद से स्कोर पहुंचा 10 रन। पहली ओवर का खेल चलता हुआ पॉजिटिव स्टार्ट। इस बीच गेंद अच्छी गेंद थी लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश डॉट गेंद अच्छा कमबैक हम कहेंगे यहां पर एक्सपीरियंस गेंदबाज सलीम का रॉयल रोशन में काफी अनुभवी खिलाड़ी है जिसमें अगर हम देखिए शायद खान कई हजारों मैसेज और फोन आ रहे हैं मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं भी माशाल्लाह अच्छा हूं और मजर खान भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस बीच ये गेंद लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश अपील और शायद खान इंसिडेंट होते रहते हैं। बिल्कुल इंसिडेंट भी होते चले और आज कई स्टेटस भी देख रहे हैं हम सिद्दीक भावे जी के नाम बड़ा हादसा होते होते बच गया आज। एक ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर रन बने यहां पर 11 भावे सर। पहले ओवर में अगर हम देखें इस वक्त तो जो एवरेज है उससे तो थोड़ा सा पिछड़ती हुई। बिल्कुल एक ओवर में 11 बने हैं लेकिन अभी भी आपके पास जब 9 विकेट हाथ में रहते हैं तो आप मैच में रिस्क ले सकते हैं। ये देखिए जावेद खान भी हमसे जुड़ चुके हैं आपका इस्तकबाल है। अल्ताफ बाली सर हंजला अंसारी भी हैं इरफान अदीस अंसारी के साहबजादे ये वसीम अंसारी हमारे स्पॉन्सर दीगर मेहमानों का इस्तकबाल है। आज तो शाहिद खान मैचेस ऐसे हैं कि आज यहाँ तो पैक क्राउड देर रात तक रहेगा क्योंकि आपको तो आखिर में खेलना है और आज यौमे जुमा भी है भावे सर जुमा का दिन और इस परशुराम ठाकुर स्टेडियम में हम कई समर्थकों को कई दर्शकों को देखते हैं। अहमद वाइट हम और विकेट से बहुत तेज स्ट्रोक खराब फील्डिंग गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। वाइड एंड पनिश्ड
शॉर्ट वाइड एंड पनिश पंच डैश बॉल अपिश स्टॉक बट इन द गैप प्रेसिंग ऑल द वे टू द कवर बाउंड्री फॉर फोर। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा 15 रन। अच्छी शुरुआत हम कहेंगे यहां पर बैट्समैन जीवन किस बीच है। गेंद फिर से हवा में स्ट्रोक देखना है। इस वक्त फील्डर मौजूद है नहीं। राशिद ने कोशिश की थी वहां पर नहीं पहुंच पाए। स्कोर इस वक्त अगर देखे तो 17 रन। दूसरी ओर का खेल चल रहा है। बड़ा लक्ष्य 81 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई इस वक्त भादवर्ड 11 अहमद। इस बीच गेंद छोड़ दिया था वहां पर ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर। वाइट का इशारा अंपायर शकुल कोटी का। अहमद फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बीच गेंद फिर से लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश। तेज गई है गेंद वहां पर एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर इस वक्त 8 रन। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। एक चीज है बाबे सर, इस वक्त बड़ा टोटल सामने है और पावर प्ले का अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो यकीनन आप एवरेज से भी पिछड़ेंगे और जीत से भी पिछड़ जाएंगे। शॉर्ट गेंद थी हवा में। देखना वहां पर खिलाड़ी पहले गिरे गेंद बाद में आई। 4 रन का तोहफा यहां पर मिला। देखिए शाहिद खान, जब आप स्क्वायर कट करते हैं और तेज बल्ला चलाते हैं तो उसका यह फायदा होता है कि गेंद बहुत तेज सिरा लेके चली जाती है 4 रनों के लिए। 2 रन का पेनल्टी भी यहां पर ऐड किया गया है तो कुल मिलाकर रन बने अब 25। 2 रन का पेनल्टी ऐड किया गया, इस बात को ध्यान रखे भादवर्ड 11। इस बीच गेंद बहुत तेज लगाया फिर से मिसफील्ड। कोई मौका नहीं। 4 रन। ये चौथा चौका और चौथा मौका दिया लॉयल ओशन। नो बॉल है देखना है। चक सर्कल के बाहर खिलाड़ी थे। तीसरे अंपायर हमारे सर्कल के बाहर खिलाड़ी थे जब गेंद को डाला गया था। चौके की मदद से स्कोर बहुत बढ़िया नजर आता हुआ स्कोरबोर्ड पर। अहमद इस बीच गेंद लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश। देखना है वहां पर एक रन बना, एक ही रन से संतोष। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। बहुत महंगा ओवर चल रहा है अहमद का जहां पर 11 रन बने थे। अब अहमद के ओवर में अगर अभी तक हम देखें तो 19 रन बने हैं और 2 रन पेनल्टी के। स्कोर इस वक्त 31 रन 31। इस बीच गेंद लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश। गेंद हवा में, क्या इस बार कैच होगा? नहीं, एक और कैच छूटता हुआ। ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम ने कसम खाई है कि मिसफील्ड करेंगे या कैच छोड़ेंगे। बहुत आसान मौका। तो इसी के साथ कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति। टोटल है 32 रन। 16 का रन रेट अब हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड जो रन रेट चाहिए था उससे आगे चलती हुई यहां पर भादवर्ड 11। देखिए मेन बिहाइंड शो अल्ताफ बाली, जावेद खान मैच का मजा लेते हुए इस वक्त वीआईपी डाइस से। बिल्कुल हंजला अंसारी, इरफान अजीज अंसारी के साहबजादे मुजीब, हमारे शेख साहब कयाम शेख साहब। तो देखना है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है पावर प्ले में हम कह सकते हैं। अब मिडल ओवर में किस तरीके से बल्लेबाजी होती है, क्या रॉयल ओशन अच्छा कमबैक करती है या फिर अच्छी बल्लेबाजी होती है, आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक बाबे। थैंक यू शाहिद खान। वेरी गुड टोटल मेड इन मैंडेटरी पावर प्ले 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। यू आर वॉचिंग आए दिन बाहर के बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट बाली ट्रॉफी 2019। वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड आफ्टरनून।
is going to be Sajid brought into the attack, facing him batsman Jeevan. Goes to Jeevan, this time hooks that ball. Fielder is there. We wait for umpire signal. What's happening there? Fielder has a deep backward square leg, and umpire take the help of a third eye. Third eye. Umpire refer the decision for the TV umpire. Vilas Jadhav. Replay batana hai, mixing room. मिक्सिंग रूम आपको रिप्ले बताना है पिछली गेंद का, चौके का रिप्ले बताना है क्या गेंद अंदर थी या बाहर चले गए थे. ये देखिए पिछले पांव पे चले गए थे, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो मोशन में जब खिलाड़ी गेंद को पकड़ रहा है वो बताना है. ये देखिए टिप्पा खा के गेंद को बहुत सुंदर टेलीकास्ट आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज का. देखना अंपायर विलास जादव क्या निर्णय देते हैं. बहुत ही बारीकी से देखते हुए लगातार बहुत अच्छा अल्ट्रा स्लो मोशन में आप रिप्ले देख रहे हैं. जितने रन भाग के लिए थे उतने ही रन रहेंगे. सो टू मोर टू टोटल नाउ, स्कोर वाज अप टू 34. बोस्टू जीवन दिस टाइम टकिंग नाइसली इन द गैप, बट फील्डर फाइंड द बॉल एट डीप मिड विकेट इनफ टाइम बैट्समैन गेट्स वन. जीवन शोइंग अ वेरी ग्रेट क्लास ऑफ बैटिंग एंड स्कोर वाज अप टू 35 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट. This time slog sweep and ball is racing all the way to the square leg fence for a glorious six. Played in front of his legs. This time try to yoke with the short back lift, Trayvon nicely. Wide off long on in come throw, batsman looking for a second and Jeevan change his mind and safe in. So one more to total now, score was up to 42. Neck to net fight going on, chasing a target of 81, third over in progress. This time fine delivery. Just passed the bat to wicketkeeper. Lovely return delivery from Sajid. Good comeback. But still, neck to net fight, cut to cut match you are watching between Bhadod Sport, Bhadod and Royal Roshan. This time, bottom of the bat, ball is traveling to wide-ish long on. Enough time, batsman gets one. So that marks. End of the third over, score is 43. बाउंड्री लाइन पे
बहुत खूबसूरत नज़ारा परशुराम टावरे स्टेडियम में बाली ट्रॉफी का, ये वीआईपी डाइस। ये आप देख सकते हैं बाली ट्रॉफी 2019 का बाली पैलेस वीआईपी डाइस। पाइनियर स्पोर्ट्स ने जो कप जीता था अंजुमन ट्रॉफी के साथ, और ये हमारे तमाम मेहमान। बैटिंग पावर प्ले लिया गया, बहुत अच्छी सोच लग रही है शाहिद खान, क्योंकि यहाँ से बैट्समैन चाह रहे कि जो आस्किंग रन रेट है उसको कुछ कम किया जाए। तीन ओवर में 38 रन चाहिए और तीन ओवर में अब तक 43 रन बन चुके हैं। समय का ध्यान रहे, लोनार्ड टीम के कैप्टन समय की वजह से अगले मुकाबले में बैन कर दिए गए। अगली टीमों को दिखाया जा रहा था, राया टीम जिन्होंने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट, अहमद कट करने की कोशिश बीटवे। अहमद को भी देख के जोएल गार्नर की याद ताजा होती है, बिग बट, अच्छा कद है उनका और बॉलिंग एक्शन भी उनका थोड़ा हाई आर्म है। अहमद इस बीच ये गेंद बैटफुट पे चले गए थे, बहुत ही तेज स्ट्रोक लगाने की कोशिश कारपेट के सहारे। गेंद एक रन जरूर पूरा किया वहां पर, स्कोर इसे एक रन से बढ़ता हुआ 44 रन 44। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, बिल्कुल कट टू कट मुकाबला यहां पर हम देख रहे हैं। yes. जो लक्ष्य था वो 81 रनों का है। देखना है शाहिद खान के ये जो अहमद का ओवर है ये बहुत निर्णायक है। अहमद फिर से अच्छी गेंद, गुड लेन पे पड़ने के बाद कॉरिडोर से जाती हुई विकेट कीपर के पास। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी लेंथ और लाइन को मेंटेन किया है अहमद ने। हालांकि इससे पहले ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे। अहमद इस मरतबा कैच छूटा है, दोनों बैट्समैन बच गए। अगर स्टंप्स में गेंद लगती तो भी बैट्समैन आउट थे और कैच भी छूटा वहां पे बैट्समैन जीवन का। अहमद हाजी समत सेट स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए इस मरतबा आसमान में तान दिया है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और छोड़ दिया कैच। शाहिद खान मुझे लगता है कि लगभग रॉयल रोशन वालों ने अभी तक 5 से 6 कैच गिरा दिए। बिल्कुल काफी मौके यहां पर गवा रहे हैं, कहीं ना कहीं फील्डिंग की कमी यहां पर साफ महसूस हो रही। बाबे साहब इस तरीके के आसान कैचेस भी छोड़े जा रहे हैं, यकीनन गेंदबाज नाराज होंगे जिस तरीके से ये फील्डिंग हो रही है। सैतालीस रन एक विकेट गंवाने के बाद इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव मिड ऑफ बाउंड्री से होती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
देखना है कि ये मैच का मैदान कौन फतेह करता है। 12 गेंदों में जीतने के लिए 30 रन चाहिए और बैटिंग पावर प्ले भी अब खत्म हो चुका है। हालांकि 50 रन की पार्टनरशिप ये दोनों बैट्समैन के बीच हो चुकी है, दोनों की आंखें जम गई है, सेटल हैं, लेकिन देखना है कि यहाँ पर वो सांस या दम लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है कि गेंदबाजी का दम निकाल दे। सलीम लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए पहली गेंद रूम बना के खेलने की कोशिश, पंच भी किया गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर में, एक रन बनता हुआ। एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 52 रनों पे पहुंचा है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा कट शॉट मिसफील्ड और गेम पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन। बाहरी किनारा विकेट कीपर तो मानो कैच लेने के लिए तैयार ही नहीं, ऐसा लगा था कि शायद उन्होंने हाथ डाल के निकाल दिया। यस, लगातार यहां पर खराब फील्डिंग। छठे बैट्समैन बन गए जय जिन्होंने बाली ट्रॉफी में चौकों की हैट्रिक की, और चौकों की हैट्रिक का भी 26 साल का कीर्तिमान पिछले बाली ट्रॉफी का है। 9 गेंदे और 20 रन मैच में पूरी तरह, 21 रन, ये देखिए छोड़ दिया। अपने आप से नाराज है वहां पर बैट्समैन जयेश, लेकिन ये जो स्थिति रहती है जहां आपके रन ज्यादा रहते हैं गेंदे कम रहती है, उस वक्त आपको बल्ला चला देना चाहिए। सलीम वीआईपी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, दर्शक अब बढ़ते हुए, इस मरतबा ज्यादा क्रीज में पीछे चले गए थे, टर्न कर दिया था, बल्ले के अंदर गेंद लगी थी, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। जीवन अब बल्लेबाजी करने जा रहे हैं और जीवन को दो जीवन दान दिए। सात गेंदों में कितने रन चाहिए साहिबा? 20 रन। ये गेंद बहुत ही निर्णायक है दोनों टीमों के लिए। सलीम लंबे रन अप से मुड़ते हुए जीवन के लिए निकल के मारने की कोशिश, सवाल पूछा, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के पास। एक ओवर 20 रन। अब स्थिति ऐसी है कि दोनों दाएं हाथ के बैट्समैन है और हवाएं जो चल रही है वो बहुत तेज मगरिब से मशरिक की तरफ। बिल्कुल, अब देखना है, 3 गेंदें बहुत बढ़िया की। और
और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हुए जीवन 15 गेंदों में 19 रन बनाया है, अभी भी जीत के लिए 20 रन 7 गेंदे हैं, क्या लगता है कर पाएंगे? कर पाएंगे। वैसे ये जय और वीरू का दोस्ताना चल रहा था, जिस हिसाब से जीवन और जयेश का जो कोऑर्डिनेशन था, ये आपकी प्रैक्टिस का नतीजा है या फिर ये जो फील्डिंग जिस हिसाब से हो रही है इसका नतीजा है? फील्डिंग के। तो ये सीधा सीधा आंसर जा रहा है अपोनेंट टीम को कि उनकी फील्डिंग कैसी है। थैंक यू सो मच, ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। इट्स ऑलराइट पूजा, नाइस क्वेश्चन फ्रॉम पूजा। एक ओवर गेंदबाजी में विशाल को लगाया गया है। देखिए समय में बहुत कम समय आपका बचा है। रॉय रोशन पहली गेंद पटकी थी और उसको हुक कर दिया है वेकेंट एरिया में, पहले बाउंस पर गेंद डगआउट, जमीर पटेल की तरफ 4 रन। बच के रहना क्योंकि वहां डगआउट में गेंद चली गई थी। फिर से हुक कर दिया है, ये जाएंगे मैदान के बाहर, नहीं गई मैजिक बॉक्स में, ऊपर गई लेकिन कमा। में विशाल 3 गेंदे और 10 रन, 4 गेंदे, कट टू कट मैच। विशाल योगेश को पुल कर दिया, फील्डर मौजूद है डीप में, आप जाके रोका है, उन्होंने 2 रन अपने टीम के लिए बचाए। ये देखिए तीसरा रन दे डाला। समझ नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है ग्राउंड पर रॉय रोशन के साथ। बाबे सर अगर गेंद फील्डर अच्छा पकड़ते हैं तो थ्रो खराब होता है, कभी कैच उड़ता है तो कभी वहां पर मिसफील्ड होती है, लगातार कठिनाई पहली गेंद से देखने को मिली रॉय रोशन। 44 पे बल्लेबाजी कर रहे जयेश लेकिन स्ट्राइक योगेश के पास है, नर्वस 49 पहले मैच में बनाए थे, हालांकि 2 अर्धशतक यतीश और शुमाइल सुसे लगा चुके हैं बाली ट्रॉफी में। इस मरतबा हुक कर दिया है, फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद देखना है क्या इशारा अंपायर का। 6 रन। ने अपने इनिंग में 7 चौके लगाए हैं और 2018 के बाली ट्रॉफी की पहली इनिंग में शाहिद खान ने 7 चौके लगाए थे। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है इस शॉट को, 4 रन और इसके साथ ही भादौड़ स्पोर्ट्स भादौड़ मैच विजयी। और रॉय रोशन लग ही रहा था कि इस मैच में प्रीपेयर नहीं है, जिस तरह की फील्डिंग रही थी, हार्ड लक रॉय रोशन and many 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 congratulations Bhadur Sport Bhadur।
साथ हम बढ़ते हैं अपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ और देखते हैं कि किसके झोली में जाता है मैन ऑफ द मैच। And before we start, I would like to thank Mr. Altaf Bali sir, Ajmal Nasikkar, Shahid Papa and Pioneer Sports Club for organizing this wonderful Bali Trophy 2019, The Thrill is Back, which is sponsored by So I would like to thank our sponsors, that is DY Developers, Aman Group, O2 Live, Packaged Drinking Water, Pallans Acrylic Art 2, Tariq Reis Builder and Developers, Bhivandi Wala Developers, Bobre Trading, Co. Dot, Bismillah Motors, Aman Tours and Travels, SS Salman Tours and Travels, Maggie 11, Bharat Gas Asfar Bolinchkar, Kapil Patel Foundation, Naik Enterprises, Gauri Foam Center and Gadi Karkhana, Fakis The Chick Shop, Madni Mobile, D. Sakaria Trading, Chocha's Akhara and Avon Chicken Center. And we thankful also Five Fortune Relators, Royal Builder and Developer, Mita Foundation, Shiv Graphics, Musa Group, Siddhakala Dealers, Showroom of Electric Vehicles, Real Steel Traders, Variety Super Bazaar, Mayuresh Enterprises, Six and Out Sports, SK Builder and Developer, Murun Mai Lifters, Haji Star Cooler, Shri Ambika Textile, Micro Touch Electors, Rolex Medicare, Purva Construction, Lapa's Boutique and MJ Fabric. Thanks to all our sponsor, they done outstanding support for Bali Trophy. And all the committee members and crew members who are doing great job, who are handling this event very nicely. IMI presentation ke liye guest of honor ko bulana chahunga Javed Khan, Anzala Ansari, Wasim Ansari, Aftab Ansari, Shayan Hani, Suhail Qazi, Salman Amjad Bhai, Saifuddin Sheikh, अरमद शेख और जावेद खतीब। इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना। आइए हम हमारे तमाम मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। लवली वेलकम टू ऑल द गेस्ट्स एंड हियर वी आर स्टार्टिंग विद आवर प्राइज सेरेमनी डिस्ट्रीब्यूट आइए दोस्तों प्रेजेंटेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सो विल स्टार्ट विद कैच ऑफ द मैच व्हिच इज स्पॉन्सर्ड बाय कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय गौरी फॉर्म सेंटर एंड मॉडर्न टैलेंट कंप्यूटर। खिलाड़ी का नाम है भादवड़ के रंजीत एंड रंजीत हैव वॉन द कैच ऑफ द और यहाँ पे प्राइजेस की बौछार होती है। अरमद शेख आपको मॉडर्न टैलेंट कंप्यूटर का ये तोहफा दे रहे हैं। आगे जाइए उधर।
आइए दोस्तों शॉट ऑफ द मैच, और शॉट ऑफ द मैच में वैरायटी चाहिए। इसको स्पॉन्सर किया है आसिफ मेमन वैरायटी सुपर बाजार ने। खिलाड़ी का नाम है भादौड़ के जयेश। सो कांग्रेचुलेशंस जयेश फॉर विनिंग द शॉट ऑफ द मैच। एक कितने मारे सैफुद्दीन शेख से मैं कहूंगा कि शॉट ऑफ द मैच दे। एक मारा सॉलिड मारा। आपको आप जाना है बाली सुपर फोर। बाली सुपर फोर को लापास बोटिक और रियल स्टील और रोलेक्स मेडिकेयर ये स्पॉन्सर हैं। खिलाड़ी का नाम है एक नहीं बाली ट्रॉफी के एक इनिंग के सबसे ज्यादा चौके लगाए उन्होंने 7 चौके जयेश भादवड़। And 7 चौकों के साथ मिस्टर जयेश एक बार फिर बने हैं। आइए रियल स्टील के प्रोपराइटर सुपर फोर मारने वाले खिलाड़ी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। यस लापास का ये बहुत खूबसूरत टी शर्ट दे रहे वसीम अंसारी। अब अमजद भाई से रिक्वेस्ट है कि आपको रोलेक्स मेडिकेयर का ये खूबसूरत बैग देना है। कांग्रेचुलेशन आप जा सकते हैं जयेश। आइए बाली सुपर सिक्स 3 सिक्सर मारे लेकिन उनकी इनिंग रहेगा गई वो हैं रॉय रोशन के फैज। फैज आपको आगे आना है। कोशिश बड़ी अच्छी थी अपने 3 छक्कों से अपने टीम को जिताने की फिर भी नाकामयाब। आइए तारिक रईस स्पॉन्सर है रिस्ट वॉच हम दे रहे मशहूर और मारूफ बिल्डर जावेद खान के हाथों से। हंजल खान हंजल जी आपको हम फैशन की दुनिया का अगला कदम फकी बुटीक का नमूना दे रहे हैं। आपको रुकना है एक इनाम और है आपका। आफ्ताब भाई आपको देने जा रहे हैं सिद्ध कला परेश भानुशाली सिद्ध कला डीलर का वाउचर। ज्यादा नहीं 2 सवाल करूंगा। कब लगा आज की फील्डिंग बहुत खराब हुई कब लगा आपको कि मैच जा ही रहा। जब वो फील्डर लोग हर बॉल छोड़ रहे थे तो ऐसा लगा कि हम मैच हार जाएंगे। हार्ड लक। आइए अब हम आखिरी पायदान मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच को स्पॉन्सर किया है एसके बिल्डर एंड डेवलपर शोराब खान उर्फ राजा भैया ने। खिलाड़ी का नाम है बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी की 44 रन बनाए वह है जयेश। And once again, congratulations, Mr. Jayesh, for winning Super 4. And then after that, man of the match. Shayan Hani sir, request hai ke Shorab Khan sponsor ye gift hamper dena. Ab Sohel Kazi se request hai ke aapko Shorab Khan sponsor ye gift hamper dena hai. सलमान जी से रिक्वेस्ट है कि आपको जयेश को ये गिफ्ट टेम्पर देना है। और महानगर पालिका के बहुत बड़े ऑफिसर जावेद खतीब साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये एक्साइटिंग गिफ्ट टेम्पर देना। अब जावेद खान हंजला और वसीम अंसारी हमारे बीच में रहेंगे। बाकी मेहमानों से रिक्वेस्ट है आपको वीआईपी डाइस पे जाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेजेंटेशन से। घरत की तरफ से दिया जाने वाला ये बहुत ही खूबसूरत फ्रूट बास्केट विटामिन से भरा हुआ रियल स्टील के वसीम अंसारी दे रहे।
अब वो पायदान जिसका इंतजार रहता है मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को के शोकेश में बाली ट्रॉफी की बाली ट्रॉफी चाहिए। एक्रेलिक आर्ट टू पल्लन भाई की खूबसूरत देन देने जा रहे जावेद खान। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जयश, थैंक यू सो मच टू ऑल द गेस्ट फॉर बीइंग हियर। सब इनामात आपके। बोल तुझ्या मनात काय घडतो? मला खूप आनंद वाटतो की बाली सरांनी एवढी मोठी ट्रॉफी आणि एवढे बक्षीस अक्षरशः मला घेता घेता मी सरांना बोललो की एवढे इनामात। कैसा लग रहा है ये पकड़ के हाथ में ये ट्रॉफी जिसके लिए इतनी मेहनत की, इतनी चमचमाती धूप में आपने खेला है आपकी टीम ने? बहुत अच्छा लग रहा है, बाली ट्रॉफी की मेहनत में इसलिए इसलिए बाली ट्रॉफी जीत ली। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इसका? इसमें क्रेडिट देना चाहता हूँ मेरे कप्तान सुरेंद्र, गुरुनाथ, योगेश जी, ऑल प्लेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, कांग्रेचुलेशंस। जयश, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं हूँ सिद्दीक बाबे,